हाय फ्रेंड, मैं अविनाश श्रीवास्तव। स्वागत है आपके अपने चैनल कोड प्रोग्रामिंग में। तो इस वीडियो में हम एंगुलर में एंगुलर 18 का इफ इल्स स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। कैसे हम इफ इल्स स्टेटमेंट के यूज करेंगे कंपोनेंट के अंदर, एचटीएमएल के अंदर और सर्विस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको कुछ इंक्वायरी करनी है, कुछ पूछना है, तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं और हमारे मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने एक मेरा डेमो एप्लीकेशन में बनाया हूँ, जिसमें अभी कुछ नहीं है। ऐप कंपोनेंट एचटीएमएल है ये हमारा, जिसमें जस्ट कोड प्रोग्रामिंग लिखा हुआ। ऐप कंपोनेंट टीएस फाइल है और यहाँ पे तो अभी कुछ नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक चलिए पहले नोट पैड खोलते हैं। नोट पैड में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जस्ट लाइक यदि आप जावा स्क्रिप्ट या आप किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यदि आप इफ इल्स स्टेटमेंट को पढ़े होंगे, तो वो क्या होता है, पहले आपको ऐसे लिखना होता है। इफ मान लीजिए कि ए इज ग्रेटर देन 90, देन ये होगा, अदरवाइज आपका ये होगा, ठीक है। तो सेम चीज है, लेकिन इसमें लिखने की तरीका को अलग है, ठीक है। तो इसमें कैसे होता है, जैसे कि आपको क्या एनजी लिखना होता है। एनजी हर चीज के लिए स्टार्ट मतलब कि चालू इसी से होता है, स्टार के साथ, ठीक है। उसके बाद अब क्या यूज कर रहे हैं, तो मैं इफ स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए कोई मेरा वेरिएबल है जिसमें वैल्यू आ रहा है, जिसके अगेंस्ट मैं, जैसे मैंने बताया इफ ए इज ग्रेटर देन 90, तो मेरा वेरिएबल क्या है यहाँ पे, ए है, ठीक है, ये वेरिएबल है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे इफ वैल्यू, ओके, यहाँ पे मैं इफ वैल्यू कर देता हूँ। और जैसे यहाँ पे आपको टर्मिनेट करना पड़ता है, यानी आपने एक वैल्यू दिया, टर्मिनेट किया, ठीक है। अगर वैल्यू सही होगा तो कौन सा ब्लॉक को कॉल करेगा, तो चलिए हम एक ब्लॉक रहेगा मेरा, कोई मान लीजिए एबीसी, ठीक है। इसी के अगेंस्ट में मैं आपको प्रोग्रामिंग करके दिखाऊंगा एंगुलर में, ठीक है। देखिए, जैसे कि ये हो गया, देन एबीसी एबीसी हो गया, एबीसी ब्लॉक को रन किया। उसके बाद अगर मान लीजिए कंडीशन ट्रू नहीं होकर फॉल्स हो जाता है, तब हमारा कौन सा ब्लॉक यहाँ पे इल्स ब्लॉक जो काम करेगा। अब जैसे ABC2 मान लीजिए, ये फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका ये खत्म होगा। तो यही आपका इल्स मतलब इफ स्टेटमेंट है, ठीक है। तो चलिए इसमें मैं कोडिंग करता हूँ। यहाँ पे अभी क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं। मैं जैसे यहाँ पे हमारा एक इसी वेरिएबल को लेकर हम काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं ट्रू रखता हूँ, ठीक है, अभी के लिए। इस पर मैं आगे काम करेंगे, हम पूरा उसको चेक करेंगे कैसा होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, एक एनजी टेम्पलेट लूंगा, ठीक है। अच्छा, एनजी टेम्पलेट, सबसे पहले एनजी टेम्पलेट को यूज करने के लिए और इफ इल्स स्टेटमेंट को यूज करने के लिए आपको यहाँ पे एक चीज को इंपोर्ट करना पड़ता है, एक फाइल को जो होता है कॉमन मॉड्यूल, ओके। यहाँ पे आपको कॉमन मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। और देखिए यहाँ पे इंपोर्ट सेक्शन जो है, क्योंकि हम 18 में काम कर रहे हैं, तो यहाँ इम्पोर्ट सेक्शन में आपको इसको ऐड करना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम फिर से ऐड करते हैं, तो एनजी सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिप बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डिप बनाने के बाद यहाँ पे इफ स्टेटमेंट को लिखते हैं एनजी इफ, ठीक है। और यहाँ से मेरा, मैं सेम चीज को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसको चेक करने में। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, अब मैं एक एनजी एनजी टेम्पलेट लूंगा,
एनजी टेम्पलेट, ठीक है, टेम्पलेट टेम्पलेट, ओके एनजी टेम्पलेट हो गया हमारा। और इसको मैंने क्या देन ब्लॉक है, तो देन ब्लॉक में मेरा आईडी क्या है, तो आईडी मेरा ये है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर कंडीशन ट्रू होती है, कंडीशन यदि ट्रू होता है, ठीक है, तो इसके अंदर जो मेरा पी टैग है, पी टैग हाई दिस इज इफ ब्लॉक, ठीक है। और सेम चीज को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एबीसीडी टू मेरा क्या है, इल्स ब्लॉक है, ठीक है। तो इल्स इफ दिस इज इल्स ब्लॉक। अब यहाँ पे एक बार एग्जीक्यूट कर रहे थे, एग्जीक्यूट तो है ही हमारा प्रोग्राम, यहाँ पे अभी आया नहीं है, तो देख लेते हैं क्या है, क्या प्रॉब्लम है, शायद हमारा एनजी टेम्पलेट को लेकर कुछ इशू है। एनजी अच्छा, यहाँ पे मैंने कॉमन मॉड्यूल को यूज भी किया हूँ, तो क्या बता रहा है एक बार देख लेते हैं। जस्ट लाइक गो, आप यहाँ पे हमारा एक एरर आ रहा था, मैंने जब फाइंड किया हूँ तो ये मैंने देखा हूँ कि यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे क्या हुआ था, कैश कैश सेंसिटिव एक्चुअली नहीं लेता ये, तो यहाँ पे क्या है ना, इफ कंडीशन को पुट करना था, ठीक है। तो अभी देखिए, हाय दिस इज इफ ब्लॉक, क्योंकि अभी क्या है कि ये इफ ब्लॉक को रन कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि अभी मैं यहाँ से जो वैल्यू सेंड कर रहा हूँ, देखिए ट्रू वैल्यू को सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रू वैल्यू, तो ये ट्रू हो रहा है, तो देन एबीसी ब्लॉक को ये डिस्प्ले कर रहा है, जब फॉल्स होगा तो एबीसी टू वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। जैसे अभी इफ ब्लॉक को डिस्प्ले कर रहा है, यदि मैं यहां जाकर इसको फॉल्स दे देता हूं, ठीक है, फॉल्स दे देता हूं, तो यहां पे देखिए इल्स ब्लॉक को डिस्प्ले किया है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान दीजिए, जब आप कोई भी इफ इल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं, यानी आप कोई की को यूज करते हैं, तो आपको कॉमन मॉड्यूल को आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, कॉमन मॉड्यूल को आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो यदि हम इसमें 10 वैल्यू देते हैं, ठीक है, यदि 10 देते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं एक चीज कि ये जो है ग्रेटर देन 9 है कि नहीं, ठीक है। यदि देखिए इफ ब्लॉक को डिस्प्ले कर रहा है और ये ग्रेटर देन 10 है कि नहीं, तो इस ब्लॉक को डिस्प्ले कर रहा है, यानी इसको अभी क्या वैल्यू 10 ही है, ये ग्रेटर देन नहीं है, तो आप इंटीजर स्ट्रिंग जिस पे भी चाहें आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे मैं अभी स्ट्रिंग पे चेक करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ एबीआई, ठीक है, और वहां से मैं एबीआई पास करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कौन एबीआई देन द ब्लॉक, ओके यहाँ पे इसको क्या हुआ, हमें पहले सबसे पहले क्या करना होगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इफ ब्लॉक, क्योंकि मैं एबीआई वहां पे भेजा हूँ, तो इफ ब्लॉक डिस्प्ले हो रहा है, अभी एबीआई एस कर देता हूँ तो इल्स ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो इसमें इफ मतलब कि एंगुलर में इफ इल्स का ज्यादा कुछ फंडा नहीं है, सेम चीज है जो आप पहले इफ कंडीशन, ठीक है, उसके बाद इल्स लिखते थे, मतलब कि कंडीशन देने के बाद अब उसके बाद इल्स लिखते थे, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे इफ है, कंडीशन है, उसके बाद देन हमारा ये है, देन ब्लॉक ये है, और उसके बाद इल्स ब्लॉक है, जस्ट हम इन लोग यहाँ से आईडी को कॉल करते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको इफ इल्स इफ और इल्स समझ में आ गया होगा एंगुलर 12 का, सॉरी 18 का। तो